अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है बुलेरो पिकअप BS6। गाड़ी में प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी में जो है ये वाली जो लाइट आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी में फ्लैश कर रही है। इसमें पिकअप जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसका पिकअप बिल्कुल कम हो गया है। गाड़ी जो है 40 से ज़्यादा की स्पीड जो है नहीं क्रॉस कर पा रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड जो है वो क्या आ रहा है। तो इसमें हमने रीड फॉल्ट कोड पे क्लिक किया है, ये आप देख सकते हो दो फॉल्ट कोड आ रहा है। पहला जो है एरर फॉर मैक्सिमम सूट मास और दूसरा एयर फ्लो सेंसर एरर। ये दो फॉल्ट कोड जो इसमें करंट DTC में आ रहा है और गाड़ी में जो है ये वाली जो लाइट आप देख पा रहे हैं ये आ रही है। तो ये लाइट जो है ये DPF रीजनरेशन की लाइट है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया DTC हेल्प की मदद से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने चूज़ किया कार, उसके बाद DTC कोड, फिर हमने इसमें ब्रांड चूज़ किया, ये आप देख सकते हो इसमें हमने महिंद्रा चूज़ किया। फिर इसको हमने किया सर्च। सर्च करने के बाद जब हमने वीडियो ऑप्शन पे गया तो हमें इस पर मिला कि इस पर आपको DPF जो रीजनरेशन की लाइट आ रही है इसको आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि महिंद्रा बुलेरो BS6 ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया DPF रीजनरेशन आपको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कि आपको लॉन्च के स्कैनर से आपको ये प्रोसेस जो है ये आपको कैसे करना है। पूरी वीडियो डिटेल में आपको दी गई है। सबसे पहले आपको व्हीकल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन ऑप्शन पे, ये हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाड़ी जो है वो हमारी है BS6, तो हम लोग जाएंगे पैसेंजर व्हीकल्स में। ये इस पर क्लिक करने के बाद हमारा ऑप्शन आएगा BS6 का, ये आप देख सकते हो BS6 का ऑप्शन सबसे ऊपर में ही है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद चूज करेंगे हम लोग ECM को। इस पर दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको ऊपर वाला चूज करना है। ये हमने इसको चूज कर दिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में ही हमें ऑप्शन मिलेगा DPF रीजनरेशन का, मैं आपको दिखाता हूँ वो आपको कैसे करना है। ये आप देख सकते हो इस पर ऑप्शन आ रहा है DPF रूटीन का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन आ रहा है DPF सर्विस रीजनरेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हो एक जो पेज है ये ओपन हो गया है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है आपको गाड़ी में जो है 25-30 मिनट का एक प्रोसेस होगा, वो भी क्या प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यह आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लगभग 30 मिनट्स के लिए वेट करना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है DPF को रीसेट करना है। उसको आपको कैसे रीसेट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेस होने के बाद आपको इसको एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद दोबारा उसी ऑप्शन पे जाना है आपको, और ऊपर आप देख पा रहे हो DPF रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक करना है और यहाँ आप देख पा रहे हो ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अगर आपके पास स्कैनर जो है वो अवेलेबल नहीं है और आपके गाड़ी में ये लाइट आ रही है तो आप यहाँ से भी इस लाइट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे बटन दिया गया है इसका DPF रीजनरेशन का, इसको आपको 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और फिर छोड़ देना है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा। ये आप देख सकते हो अभी भी लाइट जो है इसमें फ्लैश कर रही है और गाड़ी का इंजन जो है वो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा रेस हो जाएगा, यानी कि आइडल पे ही रहेगा लेकिन गाड़ी जो है रेस हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से होगा। गाड़ी का जो RPM है वो आपको लगभग 2000-2500 के आसपास चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये आपका लगभग आधे घंटे के आसपास होगा। आप वीडियो में देख पा रहे हो गाड़ी का इंजन जो है वो रेस है। ये प्रोसेस आधे घंटे होने के बाद आपकी जो वो लाइट है वो ऑटोमेटिक आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि चली जाएगी। ये आप देख सकते हो गाड़ी में अब जो है अभी भी प्रोसेस जो है इसमें हो रहा है। ये हमने एक्सेलेटर भी नहीं दबाया है, गाड़ी जो है अपने से ही रेस है, यानी कि इसका DPF सर्विस रीजनरेशन जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है।
अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप उस प्रोसेस से कर सकते हो। तो प्रोसेस जो हमारा कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्ट कोड जो है वो इसमें क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हो दोनों जो फॉल्ट कोड है ये अब हील्ड हो गया, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं और दोबारा हम लोग रीड फॉल्ट कोड पर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हो नो ट्रबल कोड आ रहा है। और गाड़ी में भी आप देख सकते हो, गाड़ी में जो है वो वाली जो लाइट इसमें आ रही थी DPF रीजनरेशन की, वो लाइट जो है अब नहीं आ रही, ओनली इसमें चेक इंजन की लाइट आ रही है। तो इसका जो एयर फ्लो सेंसर है उसका कोड आ रहा गाड़ी में वो ख़राब है, इस वजह से गाड़ी में वो लाइट आ रही है। DPF रीजनरेशन की लाइट जो है वो अब नहीं आ रही। अब मैं आपको गाड़ी को चला के भी दिखा देता हूँ। पहले जो है गाड़ी 40 से ज़्यादा की स्पीड जो है वो इसमें नहीं आ रही थी, अब जो है गाड़ी हमारी प्रॉपर ओके हो गई है, इसका पिकअप भी सही हो गया है और गाड़ी जो है वो अब लगभग 80 के स्पीड तक जा रही है। मैं आपको चेक कराता हूँ। अभी आप जैसे कि वीडियो पे देख पा रहे हो, अभी इसमें स्पीड जो है वो आपको 60 दिख रही होगी, मैं आपको इसको 80 तक भी ड्राइव करके दिखा देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देख सकते हो गाड़ी जो है वो हमारी 80 तक जा रही है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।